हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कैरिबियन प्रीमियर लीग का मैच नंबर 14, जिसमें वन साइड आपको एस्टिकिट्स पैट्रियट्स, तो वहीं दूसरी साइड हमें संत लुसिया किंग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह मैच 23 सितंबर को संत लुसिया के डैन साइमन स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच मॉर्निंग के 4:30 पर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम लगभग थोड़ी सी नमी रह सकती है और बारिश की भी संभावना है। ह्यूमिडिटी 78% रहेगा और टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे डैन साइमन स्टेडियम बैटिंग फ्रेंडली पिच प्लेन होगी, जैसा कि रिसेंटली मैच में देखा गया। बॉलर्स को सतह से कुछ शुरुआती मूवमेंट्स मिलेंगे, लेकिन इससे बैटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 34% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 64% जीतने का चांस है। अब आगे बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 155 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 141 है। तो दोस्तों, अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देख लेते हैं, जहाँ पे संत लुसिया किंग 8 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर एस्टिकिट्स 2 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम एस्टिकिट्स पैट्रियट्स का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। एस्टिकिट्स टूर्नामेंट की सबसे फिनिश टीम है, टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद टीम लगातार 5 मैच में हार गई। टीम 1 जीत और 5 हार के साथ टेबल नंबर 6 पे आ गई। वहीं पर एंड्रे फ्लेचर जो कि टीम के कप्तान बने हुए हैं, टीम की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि एंड्रे फ्लेचर एवेन लुइस की जोड़ी लगातार रन भी बना रही है। एवेन लुइस ने 176 रन बना के टीम के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है। नंबर 3 पर जो कि काइल मेंस ने सबसे ज़्यादा 187 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में आपको मिकली लुइस से रिली रोसो टीम को स्टेबल करते हैं। मिकली ने लास्ट गेम में 30 रन बनाए थे, वहीं पर अनुदीप अष्टांगा जो टीम से जुड़ गए हैं। वहीं बॉलिंग में बात करेंगे जो कि आपको एनिस नॉर्ज और डोमिनिक ड्रेक जो कि स्पेल के स्टार्ट करेंगे। नॉर्ज ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा 10 विकेट लिए। स्पिन बॉलिंग में तबीयत शमसी की जगह, जहाँ पर बी पर मॉल को चांस मिला था, वहीं पर संगा ने लास्ट गेम में 4 विकेट लिए थे, जहां पे अस्मिथ ने एंड काइल मैच टीम को ब्रेकथ्रू दिला सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो केविन लुइस है, एंड्रे फ्लेचर है, काइल मायर्स है, मिकली लुइस है, रिली रोसो है, जॉस कलार्कसन है, एंड निक नॉर्जी है, अस्मिथ नेड है, अनुदू हस्टांग, डोमिनिक ड्रेक से अब परमॉल है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि काइल मेयर्स है, एवन लेविस है, एंड्रे फ्लेचर है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी संत लुसिया किंग का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टूर्नामेंट के स्टार्ट में लगातार 2 जीत के साथ संत लुसिया किंग लगातार 2 हार गई है। अब टीम पॉइंट टेबल नंबर 4 पे आ गई है। फैफ डुप्लेस जो टीम के कप्तान है, लास्ट गेम में टीम ने प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए थे। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि डुप्लेस, जॉनसन, चार्ली दोनों अच्छा स्टार्ट भी दिए थे। नंबर 3 पर जो कि सैडरक डिसडर को चांस मिला था, वहीं पर मिडिल ऑर्डर में टीम साइफर्ट एंड भनुका राजा पक्षा जो कि अच्छा फॉर्म कर रहे हैं। साइफर्ट ने 113 रन बनाकर, तो वहीं भनुका ने 117 रन बनाए। लोअर ऑर्डर में आपको एन जोन्स है, ऑस्टन चेस मैच फिनिश करेंगे। बॉलिंग में टीम 5 बॉलर के साथ खेल रही है, जहाँ पर जारी जोसेफ, खरी कंपेल स्पेल किया स्टार्ट करेंगे। मैथ्यू फोर्ड ने लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में नूर अहमद जो कि 8 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। अब बात करते हैं संत लुसिया का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि फैफ डुप्लेसिस है, जॉनसन, चार्ली, भनुका, राजा पक्ष, टीम साइफर्ट, एरन जोन्स है, ओस्टन चेस है, सैडरक डिकार्टी है, मैथ्यू फोर्ड है, खैरी कम्फेल है, नूर अहमद है, अल्जारी जोसफ है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि फैफ डुप्लेसिस है, टीम साइफर्ट है, ओस्टन चेस है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन कंक्लूजन करते हैं। हेड टू हेड में आपको संत लुसिया आगे दिख रही है, जबकि एस्टिकिट्स के बैटर इस पिच पर अटैकिंग खेल सकते हैं, जो उन्हें फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन करंट फॉर्म को देखते हुए यहाँ पर मैच में हमारे अकॉर्डिंग संत लुसिया किंग होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।